प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं दौड़ रहा हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भाई चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भाई चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। या दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस नए पिक्चर के ट्रेलर का नाम तानाजी। जी दोस्तों, काफी दिनों से पिक्चर के पोस्टर निकले थे एक एक करके, फिर आखिरी में आज इस पिक्चर का ट्रेलर रिलीज कर ही दिए। जी दोस्तों, जैसे ये पिक्चर एक 16वीं सदी का है, 16 सेंचुरी का है, जिसमें एक दो अलग अलग राज्य के जो बड़े योद्धा आपस में टकराते हैं एक ही मकसद के लिए, और आखिरी में देखा जाता है कि जीत किसकी होगी। इस पिक्चर का जो हीरो जो है हमारे अजय देवगन है, जो काफी अच्छे एक्टर है और इस पिक्चर के प्रोड्यूसर भी है। और इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रहे हैं काजल, जो उनके वाइफ ही नहीं बल्कि इस पिक्चर में भी उनके वाइफ है। और ये पिक्चर में एक एक्शन मूवी है जो 16 सेंचुरी की एक तानाजी नाम के जो शिवाजी महाराज के जो काफी अच्छे एक वॉरियर रह चुके हैं, आर्मी इन चीफ वो है, हमारे सेनापति एक सेनापति के रोल कर रहे हैं और एकदम एक्शन मूवी है। और इसमें विलन के रोल कर रहे हैं जो मुगल एम्परर की तरफ एक मुगल एम्परर के सेनापति जो आर्मी इन चीफ सैफ अली खान, इस पिक्चर में विलन के रोल कर रहे हैं। दरअसल एक जगह को लेकर है, जगह को जीत हासिल करनी है दोनों को, जो है कोंडाना जिले को इन्हें किसी भी हालत में जीतना वो काफी मुश्किल है। अगर वो लड़ाई कोई लड़के जीत सकता है वो तो सिर्फ तानाजी। ये चाहता है कि दोनों किसी भी हालत में वो जगह कब्जा करें। और शिवाजी महाराज को उनके जो साथी जो होते हैं, जो उनके मंत्री जो उन्हें एडवाइस करते हैं कि ये काम सिर्फ तानाजी ही कर सकते हैं। इसी तरह ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते भी है, आपस में एक दूसरे से टकराते भी है कि किसी भी हालत में वो हम किसी भी हालत में कोंडाना जिले हासिल करें। और दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं, और दोनों ट्रेलर में आपको देखने को मिलता है दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं और दोनों एक दूसरे के स्टंट करते हैं अपनी अपनी जगह की प्रैक्टिस करते हैं किस तरह लड़े करके, और आखिरी में दोनों सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और सैफ अली खान है जो उनसे लड़ते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी उनको सपोर्ट करेगा, जो भी गांव वाले जितने भी उनको सपोर्ट करते हैं उन्हें किसी भी हालत में उन्हें गांव वाले को जला दे और किसी भी हालत उन्हें जीतने ना दे, इस तरह का शतरंज खेलते हैं, इस तरह के चाल खेलते हैं ताकि किसी हालत में वो लोग जीत सके। सैफ अली खान जो इसमें मुगल एम्परर की रोल कर रहे हैं, और जो हमारे जो अजय देवगन है जो राज्य माता जी से आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं कि मुझे परमिशन दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके बड़े बेटे ने तो राज्य खड़ा किया है, और मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए कि जूते पहनने का, और ताकि मैं लड़ाई में जीत सकूं। इसी तरह दिखाया जाता है, और आखिरकार दोनों आपस में आमने सामने एक दूसरे से टकराते हैं। बाकी ये पिक्चर का ट्रेलर काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है और सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छा है। इस पिक्चर के डायरेक्टर है ओम राउत, जो काफी अच्छे डायरेक्शन कर चुके हैं, और इस पिक्चर के प्रोड्यूसर खुद अजय देवगन ही है, अजय देवगन होम प्रोडक्शन है। देखते हैं ये पिक्चर जब रिलीज होगी अगले साल जनवरी महीने में 10 तारीख को, तो पता चलेगा कि किस तरह पिक्चर बॉक्स ऑफिस में अपना पहचान बना पाती है और नाम कमा पाती है और पैसा जमा पाती है। देखते हैं, आजकल तो काफी अच्छे पिक्चर ऐसे निकलने लगे, जिसके पीछे इसके पहले एक पिक्चर का ट्रेलर निकला था पानीपत, उसी तरह एकदम राजा महाराजाओं का दिखाया जाता है और एकदम एक्शन मूवी दिखाया जाता है। इसी तरह इस पिक्चर का में भी आपको देखने को मिलता है एकदम एक्शन मूवी, और VFX काफी अच्छा किया गया है इस पिक्चर के ट्रेलर में भी आपको देखने को मिलता है। और देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगी तो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और किस तरह लोगों के दिल जीत पाते हैं हमारे अजय देवगन साहब और सैफ अली खान भी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो सत्या भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तब तक के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्टिव एल्डर्स, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।